ये कहानी है भूतिया आदम की। एक आदम शाम के वक्त रास्ते से जा रहा था। रास्ते में तेजी से गाड़ी चलाने के कारण उसका इंजन खराब होने लगा और थोड़ी आगे जाके ही आदम बिना रुके आगे बढ़ता गया। थोड़े आगे बढ़ते ही फिर वो संभाल नहीं पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर उसने उतर के फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं बच पाई। फिर वो उसको देखने लगा। फिर उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वहाँ पर उससे एक जन लड़ने लगा, उसको गोलियों से मारने लगा। फिर उसको गुस्सा आ गया। फिर आप देखिए क्या होगा। Run. लेकिन उसको नहीं पता था कि ये भूतिया हवेली है। वो उसके अंदर जाने लगा, धीरे धीरे करके वो अंदर जाने लगा। रात हो चुकी थी। वो सामने की सीढ़ियों से धीरे धीरे जाकर चढ़ाई करने लगा और थोड़े आगे और चढ़ने के बाद धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता गया और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ते ही उसको एक आत्मा दिखी। उसने वहाँ से बहुत तेज दौड़ लगाना शुरू कर दिया और दौड़ लगाने के बाद वो तुरंत घर से बाहर निकल आया और काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर वो यहाँ एक दीवार के पीछे छिप गया। दीवार के पीछे उसको डर लगा, इसलिए वो एक मुर्दा घर के पास आकर रुका। यहाँ आके उसने बहुत सोचा कि जाऊँ या ना जाऊँ। फिर उसने विचार करके फिर से जाने लगा। फिर वो एक और बार जाने की कोशिश किया, ऊपर जाने लगा। उसने सोचा कि पीछे के रास्ते से जाएं, लेकिन वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। फिर वो रास्ता ढूंढने लगा, देखिए रास्ता मिलता है या नहीं। काफी ढूंढने के बाद उसको रास्ता नहीं मिला, इसलिए वो फिर से जहाँ से गया था वहीं गया, जिसमें वो देख सके कि वो भूत है या चला गया। फिर उसने वहाँ जाके देखा तो भूत नहीं था, वो आत्मा जा चुकी थी, इसलिए वो खुश हो गया और पूरे में देखने लगा और उसको फिर से भूत दिख गया। फिर उसने अपने पाँव के नीचे लैंडमाइन रखी और आत्महत्या कर ली और वो मर गया।